किनसे मिल रहा है? राकेश सर के ऑल टीम से। कैसा लगता है राकेश यादव सर? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिहार में आ रहे हैं आप लोग से मिलने, तो कैसा मतलब महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत इतना मैच जब उनसे पढ़ते हैं तो कैसा मतलब महसूस होता है, कैसा फीलिंग होता है? मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मतलब मैच पढ़ चुके हैं और बहुत आनंद आता है। जैसे कोई सॉन्ग सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मतलब सॉन्ग सुनते हुए कोई काम कर रहे हैं। कितनी ज्यादा मन में खुशी है मैम आप लोग को? बहुत, इतना की बता नहीं सकते। कितना उत्सुक है मिलने के लिए सर से? सर बहुत ज्यादा बता नहीं सकते कितना है, बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा ये सब। कैसा लग रहा है कि मतलब राकेश यादव सर आप लोग से मिलने आ रहे हैं? सर भगवान के बारे में कौन बोलता है सर? राकेश यादव सर को भगवान मानते हैं? यस सर, मतलब सर वो ऐसा टीचर है जो मतलब जो स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता है उसको इंस्पेक्टर बना देते हैं सर। सर में इतना सर उनका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है सर। खुद भी एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर छोड़ के मतलब देखिए बच्चों को इंस्पेक्टर बना रहे हैं। यस सर। अपना जॉब छोड़ के, अपना जॉब त्याग कर मतलब बच्चों को इंस्पेक्टर बनाने के लिए मतलब अपना जॉब छोड़ दिया। यस सर। किनसे मिल रहे हैं भैया? राकेश यादव सर से। राकेश यादव सर। यस सर। यहाँ तो कैरियर बिल्ड टीम के पूरे शिक्षक लोग आ रहे हैं। सबसे मिल रहे हैं। सबसे मिलेंगे मतलब राकेश यादव सर से मतलब पहले मिलेंगे। हां ऐसा। कहां से आए मैम? नालंदा से। कहां से? नालंदा से। नालंदा से, देखिए ज्ञान की धरती नालंदा से आए हैं, तो कैसा लग रहा है राकेश यादव सर से मिलेंगे? बहुत अच्छा। काफी एक्साइटेड है? बहुत। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससीजीडी। एसएससीजीडी। अच्छा राकेश यादव सर से पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है राकेश यादव सर से मिलने आए? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बस ऐसा ब्लेसिंग्स फील हो रहा है कि भाई सामने सारे टीचर्स हैं और बस जो लाइव क्लास में होता था वर्चुअल मीटिंग, बट आज लाइव देखने का मौका मिला, एकदम ऊपर वाले ऐसे नारायण का आशीर्वाद है कि हम लोग को मौका मिल रहा है उन्हें देखने का। अच्छा, कैरियर बिल्ड की टीम में मतलब कौन सा सर ऐसे हैं जो मतलब जिनसे पढ़कर काफी अच्छा लगता है, मतलब काफी बेहतरीन समझ में आता है? जैसे कि हम एसएससी एस्पिरेंट है तो मेरे लिए राकेश सर है। राकेश यादव सर। हाँ, पहले पसंद है राकेश यादव? जी बिल्कुल। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं बापू सभागार पटना में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज कैरियर बिल्ड की पूरे टीम बापू सभागार में आ रहे हैं और पूरे बिहार के स्टूडेंट्स से मतलब मिलने आ रहे हैं और खास कर राकेश यादव सर आ रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट से जानने का प्रयास करते हैं कि उन लोग राकेश यादव सर से मिलने के लिए कितना उत्सुक हैं। क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम हेमा कुमार हेवा। किनसे मिल रहा है? राकेश सर के ऑल टीम से। राकेश सर के ऑल टीम से। हाँ। कैसा लगता है राकेश यादव सर? बहुत अच्छे लग रहे हैं। बिहार में आ रहे हैं आप लोग से मिलने, तो कैसा मतलब महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, बहुत इतना मैच जब उनसे पढ़ते हैं तो कैसा मतलब महसूस होता है, कैसा फीलिंग होता है? मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मतलब मैच पढ़ चुके हैं और बहुत आनंद आता है। जैसे कोई सॉन्ग सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मतलब सॉन्ग सुनते हुए कोई काम कर रहे हैं। कितनी ज्यादा मन में खुशी है मैम आप लोग को? बहुत, इतना की बता नहीं सकते। कैरियर बिल्ड के पूरे टीम मतलब राकेश यादव सर के पूरे साथ मतलब मिलने आ रहे हैं? हाँ, पूरा टीम ही आ रहे हैं सर मिलने। पहले राकेश यादव सर से मिले कि नहीं मिले? नहीं, पहले कभी नहीं मिले, बट ऑनलाइन मतलब देखते हैं। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं अभी? तो मतलब ऐसे जनरल कंपटीशन का। राकेश यादव सर के लिए कोई जो मैसेज आपका है जो मतलब कहना चाहेंगे? मतलब मैं तो उनको पहले सबसे पहले मतलब दिल से धन्यवाद बोलना चाहते हैं, बाकी बात उनका जो है तो है ही मतलब अपने में, अब बाकी बात क्या इनसे ज्यादा। देखिए कुछ इधर भी गर्ल्स हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कितना इन लोग उत्सुक है मिलने के लिए, कितना उत्सुक है मिलने के लिए सर से। सर बहुत ज्यादा बता नहीं सकते कितना है, बहुत मतलब बहुत बहुत ज्यादा ये सब। कैसा लग रहा है कि मतलब राकेश यादव सर आप लोग से मिलने आ रहे हैं? सर भगवान के बारे में कौन बोलता है सर? राकेश यादव सर को भगवान मानते हैं? यस सर, मतलब सर वो ऐसा टीचर है जो मतलब जो स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता है उसको इंस्पेक्टर बना देते हैं सर। सर में इतना सर उनका कोई मोल नहीं है, वो अनमोल है सर। खुद भी एक इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर छोड़ के मतलब देखिए बच्चों को इंस्पेक्टर बना रहे हैं। यस सर। अपना जॉब छोड़ के, अपना जॉब त्याग कर मतलब बच्चों को इंस्पेक्टर बनाने के लिए मतलब अपना जॉब छोड़ दिया। यस सर। कैसा फीलिंग है राकेश यादव सर से मिलने के लिए? सर बहुत ज्यादा बता नहीं सकते सर, मेंशन ही नहीं कर सकते। अच्छा, पहले कभी राकेश यादव सर लाइव में मिले हैं कि ना मिले हैं? नहीं नहीं कभी नहीं, बस लाइव क्लास की है उनका, इसके बाद उनको उनसे कभी मिले ही नहीं है, आज पहली बार मिल रहे हैं सर, बहुत एक्साइटेड है। कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हैं सर का? सर सुबह 6 बजे ही आए हुए हैं। 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं? अभी तक सर से नहीं मिले इन लोग। देखिए ये होता है बच्चों का प्यार, ये बिहार वालों का प्यार है और सर हमेशा कहते हैं कि बिहार के बच्चों में काफी ज्यादा मतलब प्यार होता है उनके प्रति। कैसा लग रहा है राकेश यादव सर से मिलने आए? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बस ऐसा ब्लेसिंग्स फील हो रहा है कि भाई सामने सारे टीचर्स हैं और बस जो लाइव क्लास में होता था वर्चुअल मीटिंग, बट आज लाइव देखने का मौका मिला, एकदम ऊपर वाले ऐसे नारायण का आशीर्वाद है कि हम लोग को मौका मिल रहा है उन्हें देखने का। अच्छा, कैरियर बिल्ड की टीम में मतलब कौन सा सर ऐसे हैं जो मतलब जिनसे पढ़कर काफी अच्छा लगता है, मतलब काफी बेहतरीन समझ में आता है? जैसे कि हम एसएससी एस्पिरेंट है तो मेरे लिए राकेश सर है। राकेश यादव सर। हाँ, पहले पसंद है राकेश यादव? जी बिल्कुल, उनसे ही हम लोगों ने स्टार्ट। टीचर तो अपने आप में सभी अच्छे ही हैं, करियर भी बहुत सारे टीचर से बहुत ही है, अपने में ही सब सारे सब्जेक्ट्स के एक एक नंबर टीचर। करियर बिल्कुल पूरे टीम से मिलने का मौका मिलेगा? बहुत। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राकेश यादव सर से पहले कहीं मिले कि नहीं मिले? नहीं, मोबाइल पे देखते थे। हाँ।
ऐसा फीलिंग हो रहा है कि आज मतलब लाइफ टू लाइफ मिलेंगे, बता नहीं सकते, बस ये है कि बस बहुत ज्यादा। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार में कहाँ से? हम रक्सौल से। रक्सौल नेपाल की तरफ से? हाँ जी, मतलब नेपाल के लोकल हैं। नेपाल के साइड, नेपाल के बॉर्डर से आए हुए हैं और केश यादव सर के प्रति इन लोग का प्यार है। और देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, सभी से बात करना संभव नहीं है, चलिए इधर कुछ लड़कियों से बात करते हैं। और देखिए पूरा बापू सभागार है जो मतलब बच्चों से एकदम पूरा भरा हुआ है और केश यादव सर के इंतजार में ये लोग हैं। और देखिए कब केश यादव सर आएंगे, ये लोग मिलेंगे। कहाँ से आए? मैं पटना से। पटना से कैसा लग रहा है केश यादव सर से मिलेंगे? बहुत एक्साइटेड हूं। पहले कभी केश यादव सर से मिले हैं कि नहीं मिले? नहीं कभी नहीं मिले, बस ऑनलाइन पढ़े। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। तो क्या कुछ खास है केश यादव सर में जो आप लोग मतलब केश यादव सर से मिलने के लिए सुबह से इंतजार कर रहे हैं? देखिए तमाम यहाँ पर लड़कियाँ हैं और कुछ इधर लड़के भी हैं, लड़कों से भी हम बातचीत करना चाहेंगे। किन से मिलने आए भैया? केश यादव सर से। केश यादव सर से? यहाँ तो कैरियर बिल्ड टीम के पूरे शिक्षक लोग आ रहे हैं। सबसे मिलने हैं? सबसे मिलेंगे, मतलब केश यादव सर से मतलब पहले मिलेंगे। कैसा लग रहा है कि पहली बार मतलब लग रहा है सर, सबसे जिसको फोन में देखे आज सर सामने से देखने को मिले। पहली बार मिले हैं या मतलब कभी और मिले? नहीं नहीं पहली बार सर। पहली बार मिले सर। काफी एक्साइटमेंट है सर। सर किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? SSCGD। SSCGD ये सर। सर के लिए कुछ मैसेज है तो मतलब? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, करियर विल्स मतलब सिलेक्शन। ये सर मतलब दिल्ली के शिक्षक होते हुए आज बिहार के बच्चों के प्रति इतना प्यार दिख रहा है? ये सर बहुत अच्छा है सर, हम लोग बिहार के बच्चों के प्रति इतना प्यार है कि मतलब खुद मिलने आ रहे हैं। ये सर, ये सर। आप लोग कितना देर से इंतजार कर रहे हैं? सर सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे से? ये सर देख सकते हैं बच्चों का प्यार है, सुबह 7 बजे से सर के इंतजार में ये लोग हैं। कहाँ से आए भैया? पटने गढ़ यहीं पे से। पटने? पहले कभी केश यादव सर से मिले हैं कि मतलब? पहली बार। फर्स्ट टाइम। कैसा मतलब लग रहा है अभी? अरे भैया सीधी सी बात है, मन पसंदीदा इंसान से मिलना की अलग एकदम बापू से बगार भरा हुआ भैया, एक टीचर के लिए केश यादव सर के पूरे टीम के लिए। अरे मेन चीज है कि देखिए इश्क में भी लज्जत होती है, पहली मोहब्बत होती है। आपको मोहब्बत है? अरे मानिए वो टीचर हैं जिनके प्रति हम लोग का मतलब पढ़ रहे हैं, जिनसे सीख रहे हैं, तो वो मतलब मोहब्बत की तरह इनको। पहले कभी मतलब केश यादव सर से मिले या पहली बार है? नहीं फर्स्ट टाइम। आज देखिए कोई नेता अभिनेता यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, शिक्षक के लिए मतलब इतने बच्चे आए हुए हैं, तो मतलब मान लीजिए तो एक मतलब स्टूडेंट के लिए तो वही शिक्षक ही। गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया? हाँ हमारे बिहार में मान लीजिए वही भगवान का दर्जा ही तो दिया गया। केश यादव सर आप लोग को सदा मतलब आप लोग के बारे में बोलते रहते हैं कि बिहार के बच्चे में मतलब काफी प्यार दिखता है। हाँ तो मतलब हम लोग उनके प्रति है उतना मतलब लगाव है और उनको भी हम लोग के प्रति है, उन लोग पढ़ते हैं उनसे हम लोग को अच्छा लगता है। इसीलिए दिखाइएगा एक बार पूरा बापू सभागार है जो मतलब बच्चों के मतलब संख्या से पूरा लबालब भरा हुआ है। पूरा देखिए एक भी सीट खाली नहीं नजर आ रहा होगा आप लोग को, देख सकते हैं अभी कुछ ही समय के बाद उधर देखिए केश यादव सर आएंगे। उधर दिखाइएगा मंच है और केश यादव सर के पूरे टीम आ रहे हैं, कैरियर बिल के पूरे टीम आ रहे हैं। लगता है भैया लोग भी मिलने आए हैं। कहाँ से आए भैया? जमुई से आए हैं। जमुई से केश यादव सर से मिलने? कैसा लग रहा है भैया? उम्मीद है कि मिल के जाएंगे? हाँ मिल के जाएंगे। कि केश यादव सर के प्रति आप लोग को इतना प्यार क्यों? देखिए हम अभी उनका दो दो को बेच लेके रखे हैं, एठो एक्सपायर हो गया, एठो अभी चल रहा है उसी को कर रहे हैं, तो सोचा जब सर से पढ़ रहे हैं तो सर। केश यादव सर मैथ कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा, उसके जो एक बार पढ़ लिया फिर उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा मैथ। तमाम यहाँ पर भीड़ है, कुछ और मतलब इधर भी बात कर लेते हैं, कुछ और लड़कियों से बातचीत करना चाहेंगे। देखिए पीछे तक पूरे लड़कियां हैं जो केश यादव सर से मिलने आए हैं। कहाँ से आए मैम? आरा से। कैसा लग रहा है केश यादव सर से मिलेंगे आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड। मोबाइल पर देखते थे, लैपटॉप पर देखते थे, आज सामने मतलब लाइव देखेंगे। हाँ कल रात से ही हम बहुत एक्साइटेड है, आज मतलब रात भर मेरे को नींद नहीं आया कि आज सुबह आना है, और सुबह में मतलब 6 बजे वाली लास्ट ट्रेन थी, हम पकड़ के जल्दी से यहाँ पे मिलने आया सर। तो आप लोग इंतजार में? हाँ के पूरे टीम से मिलने के लिए। देखिए तमाम यहाँ पर हैं, अल्लाह तक कुछ गर्जियन भी सर से मिलना है। बेटी को लेकर आया गर्जियन है ना? कैसा लग रहा है केश यादव सर आ रहे हैं? बहुत अच्छा, आप लोग को बच्चों को काफी अच्छा शिक्षा देते हैं, शिक्षा के साथ साथ देखिए मिलने भी आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। गार्जियन की तरफ से क्या मैसेज रहेगा सर? सर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि बच्चों को बहुत बहुत सारी सुविधा दिए, मोबाइल पर बच्चों को बताने में बच्चे मेरे बहुत उनसे खुश रहती है। ऑनलाइन पढ़ा कर बच्चों को मतलब सफलता दिलाने का काम कर रहे हैं। हाँ गगन सर का तो और ही योगदान है इन पर, बहुत खुश रहती है गगन। कैरियर बिल के पूरे टीम मतलब पूरे टीम से खुश है, बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं? पटना से। कैसा लग रहा है केश यादव सर से मिलेंगे? बहुत एक्साइटेड हूँ मिलेंगे। काफी समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ ही समय के बाद देखिए आप लोग से केश यादव सर। हाँ हम लोग 7 बजे से आके वेट कर रहे हैं सर का। कैसा लगते हैं केश यादव सर? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा कंसेप्ट क्लियर करके। देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, सभी से बात करना संभव नहीं है, कुछ इधर आ जाइए थोड़ा सा लास्ट में बात कर लेते हैं। कहाँ से आए मैम? नालंदा से। कहाँ से? नालंदा से। देखिए ज्ञान की धरती नालंदा से आए हैं, तो कैसा लग रहा है केश यादव सर से मिलेंगे? बहुत अच्छा, काफी एक्साइटेड है। बहुत। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? SSCGD।
अच्छा राकेश यादव सर से पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। कैरियर बिल्डिंग टीम में मतलब सबसे बेस्ट टीचर कौन लगता है? राकेश सर। मतलब इतने दूर दूर से लड़कियां हैं लड़के हैं जो मतलब मिलने के लिए सर से मतलब उतावले हो रहे हैं, काफी समय से मतलब इंतजार कर रहे हैं, इन लोगों को कब इंतजार खत्म होगा? अब सर ही बताएंगे, कुछ ही समय के बाद देखिए सर आएंगे। तो पहले कभी राकेश यादव सर से मिले कि नहीं मिले? फर्स्ट टाइम। नालंदा से चला है। कितने बजे सुबह आए? 8 बजे। क्या लाइफ में मिलेंगे तो सर के लिए क्या मैसेज रहेगा? क्या सर के लिए क्या मैसेज रहेगा? आप लोग कैसा लगेगा सर से मिलकर? बहुत अच्छा लगेगा, लाइव मिलने का मौका मिलेगा। चलिए इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए कुछ ही समय के बाद राकेश यादव सर आएंगे, आगे भी आप लोग को हम दिखाएंगे। हमारे साथ भी यहाँ पर मौजूद थे कैरियर बिल्ड टीम के जो मतलब क्लास करते हैं बच्चे, और कैरियर बिल्ड टीम के जो शिक्षक आएंगे उनसे मतलब आगे फिर हम आप लोग को इंटरव्यू कराएंगे। और मेहता प्रसाद प्रदुमन यादव, जय।